बेमेतरा कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान नेता योगेश तिवारी, धान तौल इलेक्ट्रॉनिक कांटा से करने की मांग। जिले में राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना धान खरीदी की शुरुआत 1 नवंबर से हो गई है, लेकिन सोसाइटियों में अभी भी धान की तौल मैनुअल कांटे से की जा रही है। इसी बात से नाराज किसान नेता योगेश तिवारी ने किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर धान खरीदी के दौरान किसानों के धान की तौल इलेक्ट्रॉनिक कांटे से करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि पिछले वर्ष भी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कांटे से ही तौल करने की मांग की थी, लेकिन उसके बाद भी नहीं की गई। इस वर्ष फिर उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि अगर कहीं इलेक्ट्रॉनिक कांटे की कमी हो तो कुछ जगह वह स्वयं देने को तैयार है। हम लोग आए थे किसानों की मांग को लेकर आए थे। पिछले 3 साल से लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है कि किसानों की धान की खरीदी इलेक्ट्रॉनिक कांटे के माध्यम से होना चाहिए। चूंकि कांग्रेस सरकार है, बोलते हैं कि कांग्रेस के हित की बात करते हैं, लेकिन आज देखा जाए कि सबसे ज्यादा अगर अहित किसी का काम हो रहा है तो किसान का हो रहा है। किसान का आज धान जहां डंडी मारा जा रहा है, 3-3, 4-4 किलो एक्सेस धान लिया जा रहा है, बार बार आवाज़ उठाई जा रही, फिर भी सरकार की उस ओर ध्यान नहीं जा रही है। तो आज हम लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात करके हम लोगों ने निवेदन किया है कि किसानों का जब सोसाइटी में धान खरीदी शुरू हो चुकी है 1 नवंबर से, तो धान की खरीदी इलेक्ट्रॉनिक कांटा से होना चाहिए। अगर सरकार अगर अक्षम है, नहीं खरीद सकती है इलेक्ट्रॉनिक कांटा, तो हम लोग फिर प्रयास करके उसको लगाने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, अब देखते हैं आगे इस पर सरकार ध्यान देती है नहीं देती। नहीं देती तो क्या आगे क्या करेंगे? आगे प्रयास करेंगे कि हम अपने स्वयं के खर्चे से एक एक कम से कम इलेक्ट्रॉनिक कांटा वहाँ लगा दें, ताकि किसानों का जो डंडी मार किया जा रहा है, किसानों से जो एक्सेस धान लिया जा रहा है वो ना लिया जाए। किसानों के बेमेतरा से ईश्वर सिंह राजपूत, सीजी विजन टीवी।